मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंटीग्रल चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 14 के सॉल्यूशन के बारे में। 14 प्रॉब्लम है 1/(x²+1)×(x²+4)। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 13 में देखा उसी तरीके का कंसेप्ट यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स ऑर्डर का, क्योंकि ये दोनों सेम है, x²+1, x²+4, इसका इससे डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। वन बाय 3 और इस 3 को लिख दें आप x²+4 − x²+1। आप देखें x² कैंसिल, 4 − 1 = 3, x²+1, x²+4 और इंटीग्रल्स को सेपरेट कर दें, x²+1 = x²+1, x²+4, x²+4, x²+4 कैंसिल माइनस x²+1, x²+1, x²+4, x²+1, x²+1 कैंसिल कर दे, तो ये आपका इंटीग्रल इस तरह से हो गया। 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/(x²+1)²−1/(x²+2)²dx। और अब आप एक फॉर्मूला जरूर लगाएं, फॉर्मूला क्या कहता है वो, तो मैं फॉर्मूला यहां कोट करता हूं, 1/(x²+a²) का इंटीग्रल होगा 1/(a tan−1)x/a। सेम फॉर्मूला शुड बी अप्लाइड हियर, तो ये इंटीग्रल आपका आई हो जाएगा 1/3। अब हम इंटीग्रेट कर लें तो इंटीग्रेशन का साइन हटा सकते हैं, 1/(tan−1)/1)−1/(2)tan−1)/2)+ an integral constant c। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14 का। इससे मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम है जो आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम है 1/(x²+a²)/(x²+b²) का। इसमें आप a²−b² से मल्टीप्लाई करें, a²−b² से डिवाइड करें और सॉल्व करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें। एक और प्रॉब्लम मैं इसी ढंग का लिख देता हूं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, x²−1, x²+2 dx। इसमें आप x²+2 − x²−1 होगा 3, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और सॉल्व करें, मुझे लिखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो जरूर लिखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशंस को। विश यू ऑल द बेस्ट।